गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.2। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लिया है, तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सारे के सारे 5 के 5 पार्ट एक साथ ही लिख देता हूँ। थ्री यहाँ, 4 कर लिया, यहाँ पे 5। तो जो पार्ट रहते हैं हमारे पास वो सिंपल है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेबल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी प्लस जे सी प्लस ए डी एट। जो नेक्स्ट रहेगा वो एक्स प्लस वाई माइनस 5 राइट के हैं और मल्टीप्लाई 5 एक्स वाई। इसका आंसर आया था सिंपली, जब ये 5x इसे मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर वाई हो गया, तो 5x वाई स्क्वायर माइनस 25xy हो गया। हमारा जो थर्ड पार्ट रहा था वो भी सिंपल है, p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर 7p प्लस 5, तो 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5। तो दोबारा से सिंपली आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट रहता है हमारे पास 4p स्क्वायर जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाई पी से पी करूंगा, पी रेस पावर 4 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर वैसे माइनस, तो 4p स्क्वायर क्यू रेस पावर 4 इसको करूंगा तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर। जब एक बार हम इस क्वेश्चन के टाइप को सीख लेते हैं तो सॉल्व करना वेरी इजीएस्ट रहता है। तो सब लोग मल्टीप्लाई पे ध्यान देंगे। तो हमारे पास अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हम वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में सिर्फ 3 पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। पार्ट है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a रेस टू पावर 22 मल्टीप्लाई 4a रेस टू पावर 26, तो 4 टू का 8 2 प्लस 22 प्लस 26 बेस सेम हो तो हमने पावर सारे के सारे ऐड कर लिए। जैसे ही सारे के सारे पावर ऐड करूंगा तो 50 आंसर आता है। कितना आता है? 50। 24 प्लस 26 इक्वल टू 50। इसका जो सेकंड पार्ट है वो राइट कर रहे हैं हम 2/3 एक्स वाई मल्टीप्लाई माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने राइट कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो 3 × 3 होता है, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो हमारे पास 3/5 रहा माइनस का एक्स क्यूब वाई क्यूब, हमारे पास आ गया माइनस 3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसका जो लास्ट पार्ट रहता है थर्ड पार्ट राइट कर रहे हैं -10/3 पी क्यू का क्यूब 6/5 पी क्यू क्यूब। तो अब कट कर लेते हैं, कटता है 5 × 5 5 × 2 = 10, 3 × 3 8 × 2 = 6, तो ये आ गया 2 × 2 = 4 माइनस का p आया, यहाँ p रेस पावर 4 हो गया, q रेस पावर 4 हो गया। तो p रेस पावर 4 और q रेस पावर 4 क्यों हो रहा है? यहाँ p 3 बार था और p 1 बार, तब 4 हो गया, यहाँ 3 बार था यहाँ भी 1 बार। इसका लास्ट और सिंपल सा पार्ट रहता है वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस पावर 4। चेक कर लो 4, 3, 7, 9 और 1, 10, क्योंकि किसी के ऊपर
किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर कुछ ना लगाओ वेरिएबल के ऊपर, तो हम 1 लगा देते हैं। तुम्हारा आंसर जो आ गया वो आ गया x रेज्ड पावर 10। थैंक यू।